देखो गाइस, हमारे देश में काफी ज्यादा तगड़ा रोला आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स का। ये नीली बत्ती वाली गाड़ी वाले होते हैं ना, उनका इनकी गवर्नमेंट जॉब की पोजीशन इतनी अच्छी है कि लोग अक्सर इनकी बातें करते हैं, इनको देख देख के इंस्पायर होते हैं, इनकी बातें मूवीज, वेब सीरीज और मोटिवेशनल स्पीकर्स तक करते हैं। लेकिन इंटरनेट पे इन शेरों के बीच में शेर एक कुत्ता घुस गया है दोस्तों, इसे कुत्ता ही कहते हैं। इस वीडियो में जो तुम ये लड़का देख रहे हो जिसके साइड में पुलिस अफसर घूम रहा है, आगे पीछे पुलिस घूम रही है, इसका नाम है प्रथम चौधरी। और ये वीडियो देखने के बाद किसी को भी ऐसा लगेगा कि ये बहुत बड़ा ऑफिसर है, ये किसी बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट पे है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंटरनेट पे लोगों का पागल बना रहा, लोग बन रहे हैं और काफी सारे लोगों को इसने गुमराह कर रखा है। कमेंट कर रखा भैया ने खुद की वीडियो पे, गैस द लोकेशन। बताएंगे बताएंगे, लेकिन सिर्फ लोकेशन नहीं, तुम्हारी सारी सच्चाई बताएंगे आज। मेहनत की कमाई से मैं आप लोगों के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो आप लोग पढ़ना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री कंप्यूटर, लैपटॉप, बार कोड दे रखा है, 101 रुपए की सिर्फ क्लास है। और आप देख सकते हो उसका रिजल्ट मेरी स्टोरी में डाल रखा है, आपको पे करना है इधर और नेक्स्ट स्टोरी पे आके इस फॉर्म को पेमेंट करने के बाद भर देना है। अरे प्रथम भाई, अभी तो आप गरीब बच्चों को लैपटॉप बांट रहे थे पढ़ाई करने के लिए फ्री में, और अब अचानक से गरीब बच्चों से क्यूआर स्कैन करवा के 101 रुपए क्यों मांगने लगे? कोई पैसे नहीं देने किसी को भी, किसी भी तरह की जॉब के लिए। आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपको मेरे थ्रू जॉब मिलेगी। देखो, कॉल का जो सेशन है वो मैं फ्री में प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए मेरे को अपना आधा घंटा, एक घंटा। जो लोग इसे फॉलो करते हैं, जो इसकी तरह बनना चाहते हैं, वो इसकी एडवाइस के लिए, इसकी गाइडेंस के लिए इसको पैसे देते हैं। भैया तुमने आज तक सुना होगा आईएएस और आईपीएस, लेकिन आईए के बारे में नहीं सुना होगा गाइस। आईए भैया यू क्या हो वे? होता है, अभी बताएंगे क्या होता है। यस गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्रथम चौधरी के बारे में। भाई का नाम वैसे तो प्रथम है, लेकिन चूतिया पे की लिस्ट में भाई प्रथम स्थान पे आता है। एक इंसान मेहनत करता है और आईएएस या फिर आईपीएस का अचीवमेंट अचीव करता है, लेकिन हमारे प्रथम भाई साहब का अचीवमेंट ये है कि ये उनसे अवार्ड लेता है। भाई फुल चाटम चाट चल रही है यहां तो। वाह भाई वाह वाह, पुलिस वाले तो आपके आगे झुक के खड़े होते हैं। प्रथम भाई, आप तो यार बहुत खतरनाक इंसान हो। भाई ये रिएक्शन रहता है नॉर्मल ऑडियंस का जब इसकी वो रील देखती है इस तरह से, जबकि वो जो सर है वो इससे कुछ नॉर्मल बात कर रहा है, लेकिन साइड से इसके कैमरा मैन ने, जिसे इसने 50 रुपए दिन की दिहाड़ी पे रख रखा है, फुटेज निकाल ली है इस तरह से कि प्रथम भाई दिखे बहुत बड़े नेता। Yes, भाइयों यहां से शुरू करते हैं मौत का असली खेल। सो ये जो तुमने वीडियो का फॉर्मेट देखा, इसी टाइप की वीडियोस ये पोस्ट करता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फेमस है। अभी कोई भी आम इंसान ये वीडियो देखेगा, उसको लगेगा कि भाई भाई तो बहुत बड़े इंसान है यार, आईए पुलिस ऑफिसर्स तो इनके आगे पीछे घूमते भाई, सलाम ठोक रहे। जबकि असल में बात यह है कि ये जो सलाम ठोके जा रहे हैं या फिर ये जो गाड़िया वाड़िया इतनी इकट्ठी हो रखी है, ये हमारे यंगेस्ट आईए प्रथम भाई के लिए नहीं, जो इनके साथ में ऑफिसर है उनके लिए है, उनको दी जा रही है ये इज्जत। सर आपके एक्शंस तो बिल्कुल दबंग हैं। सर यू आर माय आइडल एंड आई फील वेरी इंस्पायर्ड बाय सीइंग यू। इंस्पायर्ड फॉर व्हाट? स्कैम करने के लिए, जनता को पागल बनाने के लिए। और भाई के एक्शन दबंग नहीं, चापलूसी करने वाले हैं एकदम। बात तो सही है, सामने चापलूसी करके फिर इंटरनेट पे खुद को आके ऑफिसर से बड़ा भी तो दिखाना है। देखो भाइयों, इन ऑफिसर्स के सामने तो इनकी चापलूसी करता, लेकिन फिर इंटरनेट पे आके खुद को वीडियो इस तरह से एडिट करता कि देखने वाले को ऐसा लगे कि भाई प्रथम भाई तो भाई ओजी है भाई यार एकदम। पुलिस वाले तो इनके आगे पीछे घूम रहे टिट्टी चाटते हुए। आओ गाइस भाई की इंस्टा बायो पढ़ते हैं। अवार्डेड बाय आईपीएस आईएएस बीएसएफ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साइबर सिक्योरिटी माय लव, यंगेस्ट आईए दोस्तों आईए। और भी चार पांच चीजें लिख रखी हैं भाई, जिसे देखने के बाद मुझे उर्वशी रोतेला का इंस्टा बायो याद आ गया है। आई लव यू बोल दो, बस एक बार बोल दो, एक बार बोल दो। इसकी इंस्टा बायो में लिखा है कि इसको साइबर सिक्योरिटी वालों से बहुत ज्यादा प्यार है। अब भैया अगर तुम इस तरह की वीडियो इंटरनेट में डालोगे तो साइबर सिक्योरिटी वालों से तो प्यार पूरा पूरा जताना पड़ेगा। भाई तुम LGBTQ कम्युनिटी से तो नहीं हो? LGBT टीवी इसका तो नहीं पता भाई, लेकिन ये स्कैमर्स की कम्युनिटी से जरूर है। हालात चलता है मुझसे, स्थिति कह रही
रही है कि कुछ नहीं कर पाओगे और मेरी मेहनत कह रही है एक दिन सारा जहां जीत जाओगे। अरे भाई आप जैसे जो लौंडे होते हैं ना वो डीपी बैटल्स में भी भारी मात्रा से हार जाते हैं और आप बात कर रहे हो दुनिया जीतने की। और भाई ये लौंडे कौन है जो इसके साथ फोटो खींच रहा है? अबे इसे तो खुद को ये नहीं पता कि ये है कौन। यंगेस्ट आइए जरा इसे पकड़ के इसका मतलब पूछ लो और इससे ये भी पूछ लो कि इनने क्या पढ़ाई करी थी, क्या एग्जाम दिया था इसके लिए। ओ भाई ऑलवेज फॉर नेशन इन एक्शन। प्रथम चौधरी ऑन न्यूज 18 टॉक्ड अबाउट साइबर क्राइम फ्रॉड गोइंग ऑन करंटली। भाई ये चार लाइनें पढ़ के मुझे दिख गया कितनी पढ़ाई करी है तूने। और इतना खुश क्यों हो रहा है? ये पहली बार थोड़ी है जो तेरा नाम न्यूज़पेपर में आया, इससे पहले भी आ चुका है चोरी चकारी में और जेब कतरों की लिस्ट में। और ऐसे आर्टिकल भाई 2000 में छप जाते हैं आजकल, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों तुम्हारे प्रथम चौधरी, प्यारे प्रथम चौधरी पे हम चुटकुले मारेंगे थोड़े से बारी बारी। लोग कहते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट, पता ये क्या कहता है? Fake it until you fake it. करते रहो। भाइयों ये खुद को यंगेस्ट आईए बोलता है। अब तुम पूछोगे धीरू भाई आईए होता क्या, जरा हमें बता दो। दोस्तों हमें खुद नहीं पता, हमें क्या गूगल को नहीं पता, गूगल नहीं बता पा रहा तो हम तुम्हें कैसे बताएंगे दोस्त। भाइयों आत्मनिर्भर बनना बहुत अच्छी चीज है, बनना चाहिए हर किसी को, लेकिन प्रथम भाई इतने आत्मनिर्भर बन गए हैं कि इन्होंने गवर्नमेंट से रैंक लेने के लिए वेट ही नहीं करा, अपने लिए खुद ही एक रैंक बना ली IA की। भाइयों ये IAS और IPS बनने के लिए बहुत मेहनत करते हैं लड़के, 12-13 घंटे पढ़ते हैं, इससे भी ज्यादा पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम क्लियर करते हैं, इंटरव्यू क्लियर करते हैं, फिर जाके लिस्ट में कहीं नाम आता है। लेकिन IA बनने के लिए ये जो सारे मेहनत करते हैं इनके साथ फोटो वीडियो बना के इंटरनेट पे डालनी पड़ती है, बढ़िया बढ़िया तब जाके बनते। शेर स्नैप बना दूंगा खतरनाक। ये आ आ आ आ भाइयों आगे कैडी स्नैप। देखो दोस्तों ये जो हमारे IAS और IPS होते हैं ना ये डिस्कस करते हैं कि कौन सी धारा लगाई जाए, लेकिन जो हमारे यंगेस्ट IA हैं ये डिस्कस करते हैं कि आज की वीडियो पे कौन सा साउंड और कौन सी फिल्टर लगनी चाहिए। इसकी बायो में लिखा है साइबर सिक्योरिटी माय लव। आयरनी हो रही जी बहुत भयंकर, इंटरनेट पे लोगों को मिसलीड करने वाला साइबर सिक्योरिटी को अपना प्यार बता रहा है। बताओ जी कितनी गलत बात है। इसकी पूरी प्रोफाइल देखने के बाद मुझे समझ में आया भाई कि सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ ये वीडियोस बना के पोस्ट करता है। प्लीज भाई मत कर, बंद कर दे ये सब, हमें पता है तू बहुत फ्री है तेरे पास टाइम है, लेकिन ये जो सारे ऑफिसर्स हैं इन बेचारों के पास टाइम नहीं है, इनका टाइम वेस्ट करना बंद कर दे, समझा? या फिर समझाऊं दे दूंगा चोको। भाई अभी अभी मैंने इसका वीडियो देखा जिसपे फुल टू हवाबाजी चल रही है बुलेट पे। ये भाइयों हवाबाजी चल रही है बुलेट पे फुल टू, वाह 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 वाह। अरे यंगेस्ट आई है भाई, यार हवाबाजी नहीं करेंगे भैया तो काम कैसे चलेगा यार। सो देखो बेसिकली ये वीडियो मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ, ये प्रूफ है कि ये तो अपने इंस्टाग्राम से सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स को फॉलो करता है IAS और IPS को, बट इसे कोई नहीं करता है, कर रहा होता तो अब तक इसका खुद का चलान कट चुका होता दोस्तों, समझे क्या? ऑलवेज फॉर नेशन कमेंट। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बॉर्डर आया भाई ये कोई सा ना, सर मेरी आपसे एक दरखास्त है कि इसको ना बॉर्डर पार फेंक दो, आइए अगर ये इधर तो। भाई अभी तक पुलिस वालों के पास था, आर्मी वालों के पास भी पहुंच गया है, लगता है बॉर्डर पर कोई ईंटे बजरी का काम शुरू होने वाला है, तो उसमें मजदूरी ढूंढने निकला है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसने रील बना के फिर से अपलोड कर दी। भाई की वीडियोस का कॉन्टेक्स्ट ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है दोस्तों, मतलब बाकी इन्फ्लुएंसर्स का ये रोना होता है कि हमारी जो चीज है हमारी जो बात है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखा दी गई है, बट ये बंदा पहला ऐसा क्रिएटर है जो खुद के कॉन्टेक्ट को ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखा रहा है, मतलब तुम बात की गहराई समझ रहे हो दोस्तों। हेलो भाई ये देख सकते हो भाई, ये मेहनत की कमाई से मैं आप लोगों के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आप लोग पढ़ना चाहते हो, मेहनत करता है ना जो उसके लिए मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। आप देख सकते हो अपना टाइम निकाल के, देख सकते हो दो डेस्कटॉप अभी मैं लेके आया हूँ, दो स्टूडेंट्स को और देना है अभी, स्टूडेंट्स को देना है। अब तू खुद तो अभी तक अखिलेश यादव के फ्री में दिए हुए लैपटॉप चला रहा और तू स्टूडेंट्स को फ्री में लैपटॉप बांटेगा, है बात तो सही है। हर एक चीज दे रहा हूँ, देखो एक्सटेंशन भी दे रहा हूँ आप लोगों को, वायर्स भी दूंगा सब कुछ, बस आप पढ़ो अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री कंप्यूटर लैपटॉप। गोली भी दूंगा दोस्तों मैं तुम्हें और टोपी पहनाऊंगा और आप सबको पता है मैं देता हूँ गिव अवे है मेरा, तो भाई आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ और मेरी मेहनत की कमाई है, तो थोड़ा सा इसका लाज रख लेना, अपने माओं को प्राउड करा देना और मेहनत करते रहना, उस मेहनत पे भरोसा रखो, मैं आपके लिए कर रहा हूँ आप लोग मेरे लिए। सो आप भी जीत सकते हो प्राइजेस, आपको मेरे बायो में प्रथम चौधरी लिखा हुआ दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है, आपको एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है यहाँ पे,
ज्वाइन करने के बाद सबसे टॉप पे वेलकम वीडियो दिख रहा होगा। हाँ भाई भाई समझ गए भाई, आपका स्कैम बढ़िया करके समझ गए। फ्री फ्री में कहीं नहीं बांटे जा रहे हैं ये, बच्चों से फिर से पैसे लिए जाएंगे, पैसे नहीं लिए जाएंगे तो लोगों का पागल बनाया जाएगा। ये कह के कि तुम्हें मेरी हर वीडियो पे कमेंट करना, लाइक करना, मेरी हर स्टोरी पे रिप्लाई करना है, मेरी हर यूट्यूब वीडियो देखनी है पूरी पूरी। तुम वैसा करोगे फिर मैं मेरे फॉलोअर्स में से सिलेक्ट करूंगा कि ये किसे देना है फ्री में, और मिलेगा किसे, किसी को भी नहीं। और भाई अगर तुझे लैपटॉप और डेस्कटॉप का गिव अवे करना भी है ना, तो अपनी ऑडियंस को मत करना, क्योंकि तेरी ऑडियंस में 11-12 साल के बच्चे भरे पड़े हैं, वो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे इससे, वो गेम्स ही खेलेंगे इसके अंदर। बारकोड दे रखा है, 101 रुपए की सिर्फ क्लास है, और आप देख सकते हो उसका रिजल्ट मेरी स्टोरी पे डाल रखा है। आपको पे करना है इधर, और नेक्स्ट स्टोरी पे आके इस फॉर्म को पेमेंट करने के बाद भर देना है। मैंने सबके लिए अफोर्डेबल रखा है ताकि सब लोग कर सको, पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है भाई, तो आप लोग भी वेट मत करो, जल्द से जल्द करो। जिन्होंने कर दिया है उनको मेरी तरफ से व्हाट्सएप मैसेज जल्द से जल्द आ जाएगा। अरे प्रथम भाई, अभी तो आप गरीब बच्चों को लैपटॉप बांट रहे थे पढ़ाई करने के लिए फ्री में, और अब अचानक से गरीब बच्चों से QR स्कैन करवा के 101 रुपए क्यों मांगने लगे? जब आप फ्री में लोगों को लैपटॉप और डेस्कटॉप दे सकते हो तो क्या गाइडेंस नहीं दे सकते? उसके लिए 101 रुपए क्यों मांगने पड़ रहे हैं तुझे, है? और साथ ही साथ ये बच्चों को ये भी बताता है कि भाइयों यहाँ पे वैकेंसी खुली है, यहाँ तुम फॉर्म भर सकते हो, ये तुम कर सकते हो। मतलब दलाली का काम है आसान भाषा में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो। प्रथम चौधरी का चैनल इज वेरी वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने इनकी प्रोफाइल विजिट करी, और जो एक मेन हमारा एक टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं इवन, तो वो चीज़ में अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो उससे बड़ी हेल्प कोई नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी की पूरी ज़िंदगी सवर सकती है, और किसी एक इंसान की नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी। तो ये जो हेल्प है जो तुम कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट देने में, तो वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मुझे जाना चाहिए तुम्हारे साथ एम्प्लॉयमेंट देने में। अरे DSP मैडम, मैं तुम्हें टोकना चाहता हूँ यहाँ पे, ये भारत सरकार का गृह मंत्री थोड़ी है जो एम्प्लॉयमेंट देने में मदद कर रहा। सरकार देती है एम्प्लॉयमेंट, और ये किसी की कोई खास मदद नहीं कर रहा, बस इतना बता देता है कि वैकेंसी कहाँ खाली है, पढ़ो लिखो मेहनत खुद करो, कोई किसी के काम नहीं आ रहा। प्रथम चौधरी नाम हर फील्ड में है। भाई मैं तभी सोचूं ये एक केस खत्म होने में इतना टाइम क्यों लगता, क्योंकि असली टाइम तो यहां बर्बाद हो रहा वकीलों का। बढ़िया प्रथम भाई, वकीलों से दोस्ती बढ़ा लो, क्योंकि जिस तरह के तुम काम कर रहे हो ना, आगे इन्हीं की जरूरत पड़ने वाली है तुम्हें। चिंगम चिंगम देखो भाई अभी ये कहते हैं, तुम सोच रहे होगे कि अगर ये नॉर्मल इंसान है तो ये इन लोगों से मिल कैसे पा रहा, पुलिस वाले इससे इतनी भी बात क्यों कर रहे हैं, इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं। तो लोग जो इस बंदे पे पहले वीडियो बना चुके हैं, सम्राट भाई, रूबल भाई और भी काफी सारे लोग, तो उनकी वीडियो से मुझे ये पता लगा कि जो साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं ना, जो पुलिस वालों की मदद करते हैं चीजों में, तो ये वो है, और ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिसर वगैरह बिल्कुल नहीं है। बस ये इंटरनेट में खुद को पोर्ट्रे इस तरह से कर रहा है कि भाई एकदम नवाब है, नवाब के चोदे हैं। लाइक इसकी प्रोफाइल देखने के बाद मुझे समझ में आया कि जैसे सोशल मीडिया रिलेटेड कोई चीज होती है वो ये पुलिस ऑफिसर्स को समझाता है, या फिर उनके पॉडकास्ट और इंटरव्यूज लेता है ये, और पॉडकास्ट के टाइम पे जब उनसे मिलता है तो उस टाइम पे रील बना लेता अपनी, पुलिस वालों को गुमराह कर देता और पोस्ट कर देता अपने पेज पे। इवन जितने भी ये पुलिस ऑफिसर्स हैं, ज्यादातर जब मैंने इनकी ID पे जाके चेक किया, वो इसको फॉलो तक नहीं करते हैं, तो उन लोगों को इतना कुछ खास मतलब है नहीं इससे। और भाई जो यंग बच्चे हैं जो बनना चाहते हैं भाई पुलिस ऑफिसर वगैरह, वो इसको देख के मोटिवेट होते हैं कि ये इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा कर रहा, तो हम भी इसके जैसा बनना चाहते हैं, तो वो इसको फॉलो कर लेते हैं और इसके कमेंट सेक्शन में सर 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 करके लगे रहते हैं, सर यू आर माय हार्ट, सर यू आर दिस, यू आर दिस। अरे किसी को भी फॉलो कर देते हो तुम आजकल, तुम्हें समझ नहीं है क्या भैया? आप सबसे अलग हो। हाँ भाई सबसे अलग है स्कैम करने में। देखो यहाँ तक चीजें इतनी खराब नहीं थी कि लोगों को इसे कॉल आउट करना पड़े, इस पे वीडियोस बनानी पड़े, लेकिन चीजें जो ज्यादा खराब हुई वो यहाँ से हुई कि जो लोग इसे फॉलो करते हैं, जो इसकी तरह बनना चाहते हैं, वो इसकी एडवाइस के लिए, इसकी गाइडेंस के लिए इसको पैसे देते हैं, मतलब ये मांगता है उनसे, और ये पैसे इंस्टाग्राम रील पे नहीं मांगे जाते, वहां तो बहुत ज्यादा दरिया दिल इंसान बन के दिखाया जाता है कि नहीं सब कुछ फ्री है, मैं तुम्हारा एक रुपया नहीं चाहता हूँ। लेकिन उधर ही दूसरी साइड भाई स्टोरी पे आगे कह देते हैं कि पैसे दो तब कॉल पे बात होगी, मेरा भी क्योंकि टाइम वेस्ट होगा ना, मैं तुम्हें इतना सारा टाइम दूंगा अपना, तो उसके बदले मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, लेगा हाँ कोई पैसे नहीं देने किसी को भी, किसी भी तरह की जॉब के लिए, आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपको मेरे थ्रू जॉब मिलेगी। देखो कॉल का जो सेशन है वो मैं फ्री में प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए मेरे को अपना आधा घंटा, एक घंटा एक कैंडिडेट पे लगाना पड़ेगा पूरा, उसको उसके करियर के लिए गाइड करना पड़ेगा कि उसको बैंकिंग में जाना सही रहेगा, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अबे फिल्टर लगाना मत भूलेगा भाई, करियर में डाउनफॉल आ जाएगा वरना तेरे। ये छोटी छोटी नदियां खुद मिलने आएंगी।
क्या भाई क्या पुलिस ऑफिसर को छोटी नदी कह रहा है क्या? मतलब छोटा बता रहा, वही जो मैं अभी कह रहा था वही बात है। और भाई शायद ये पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आता होगा कि ये किस तरह से वीडियोस डाल रहा है, ये इसके साथ बना तो लेते हैं, या फिर भाई ये पुलिस वाले भी देखते होंगे कि इसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, हमें भी थोड़ा बहुत फेम मिल जाएगा तो भाई के साथ वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि आजकल फेमस तो सबको होना है, चाहे वो पुलिस वाले क्यों ना हो। गोइंग फॉर नाइट पेट्रोलिंग। सर जी नाइट पेट्रोलिंग प्लेस कहाँ है? देख रहे हो भाई इसके फॉलोअर्स का IQ। अबे तुम्हें मिलेगी गवर्नमेंट जॉब तुम्हें। भाई बताया लग रहा लोगों को नाइट पेट्रोलिंग जगह होती, जगह नहीं होती दोस्तों। ये जो रात को पुलिस वाले चक्कर मारते हैं ना, देख रेख करते चौकीदारी, वो होती है नाइट पेट्रोलिंग। गुजरात पुलिस में लगवा दो मुझे। अबे पहले ये खुद तो गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाए कोई सा, खुद इसके काम हवलदार बनने वाले भी नहीं है, तुम्हारी जॉब कहाँ से लगवा देगा ये? अच्छे से रेडी हो जाता हूँ। भाई रेडी बाद में हो ना, अगर चेहरे पे कुछ करवा रहा है तो सबसे पहले वो हटा ले अपना नकाब जो लगा रखा है तूने। लड़कियां भाई लगी पड़ी है कमेंट सेक्शन में क्रश अपडेटेड। अबे भाई कितनी बुरी चॉइस है लड़कियों तुम्हारी, कितनी बुरी चॉइस है। ला भाई ला क्रश अपडेट अपडेटेड क्या बताओ। अच्छा भाई हो सकता है ये भैया को कह रही हूँ यार, ये जो मेकअप कर रहे यार ये है भाई क्रश मटेरियल है ये चूतिया कौन बेटा साइड में किसके मुंह पे क्रीम लग रही है, ये नहीं है भाई क्रश व्रश मटेरियल। यार इतना कुछ कौन कराता सलून में जाके भाई? भाई आज तक बाल और दाढ़ी बनवाने के अलावा कुछ नहीं करवाया सलून में जाके। अब पता नहीं भाई लोग क्या ले, ये फेस मास्क स्क्रब टैनिंग हटा दो भैया, ये हटा दो भाई। यार कैसे करा लेते हो तुम ये सब भाइयों, कैसे कर लेते हो तुम ये सब कैसे? गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुमने आज तक ये सब कराया है क्या, मतलब मैं जज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ बस कि मैंने नहीं कराया भाई कभी। भाई ये एक बार महंगे सलून चला गया, इनने 4-5 रीले बना के डाल दी है, इतना अमीर है तुम्हारा प्रथम छपरी। और भाई भाई के तो रंग रूप बदल गए एकदम से, आज आप छपरी लग रहे हो आज। अरे हर दिन लगता है मुझे तो, तुम अपनी आंखों का इलाज कराओ जाके, इसका इलाज तो मैं कर ही रहा हूँ। देखो गाइस तुम अभी तक वीडियो देख के समझ ही होगे मैं क्या कहना चाह रहा था। कुल मिला के भाइयों तुम्हें जॉब चाहिए, उसके लिए मेहनत करो, ये ऐसे किसी के भी चक्कर में आगे मोटिवेट मत करो खुद को, जो लोग जेन्युइन है उनको पहचानो, उनसे चीजें सीखो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो कैसा लगा और अपने ओपिनियन शेयर करना, ठीक है दोस्तों बाय। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे, नहीं तो भाइयों मैं भी ऐसे गिव अवे करने शुरू कर दूंगा फेक ना भाई हमसे नहीं होगा ये काम, बाय।